कोरोना संक्रमण के मरीजों के आंकड़ों को देख प्रशासन हुआ हाई अलर्ट। जिला पंचायत के सभागार में किल कोरोना अभियान की तैयारियों को लेकर की गई मीटिंग। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज़। जानकारी के अनुसार जिला पंचायत के सभागार में जिले के 5 विधानसभा में अटेर गोहद महगांव रोन लहार के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोविड-19 कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हेल्थ सेक्रेटरी निशांत वरवड़े, आईएएस जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह, एसडीएम ओम नारायण सिंह, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजीत मिश्रा, महिला बाल विकास अधिकारी डॉक्टर आयुष, कोविड-19 की टीम, आरएमओ वीएमओ सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता मौजूद रही। किल कोरोना अभियान में गांव-गांव, शहर-शहर, वार्ड-वार्ड, डोर टू डोर चलकर आम जनता को जागरूक करना कोरोना संक्रमण की रोकथाम में पूर्ण जिम्मेदारी निभानी है। इस कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हमें टीम के माध्यम से घर घर सर्वे करना होगा और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दूरियां बनाकर रहने की आदत को डालना पड़ेगा। मास्क लगाकर प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी है, उसको निभाना पड़ेगा। सभी स्वास्थ्य कर्मचारी इस अभियान में सहयोग करें। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा शहर के लॉकडाउन इलाकों का भी भ्रमण किया गया। किल कोरोना अभियान में जागरूकता लाने के लिए सर्वे दल का होना गठन, जिसकी समीक्षा जिला कलेक्टर जिला स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा की जाएगी। ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। सर बताएं, आज किम कोरोना अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसमें जो किल कोरोना अभियान है, क्या है ये अभियान और कैसे हम प्रेरित करेंगे लोगों को, क्या है पूरा? किल कोरोना अभियान की शुरुआत प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोविड के जो संक्रमित मरीज हैं, जो संदिग्ध मरीज हैं, जो कम्युनिटी के अंदर छुपे हुए हैं, उनको निकालने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक एक अभियान के रूप में इसको लिया गया है, जिसके अंतर्गत जिला भिंड में करीब हमने 266 टीमें बनाई हैं। इन 266 टीमों के माध्यम से, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी, ANM, MPW, MPS और LHP, इनके माध्यम से जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके सुपरविजन एवं निगरानी में और जिला मुख्यालय के सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग के द्वारा, जो शहर के अंदर एवं ज़िले के अंदर जो संदिग्ध मरीज हैं और जो ILI सारी के मरीज हैं, उनको हम चिन्हित कर रहे हैं और 15 दिन में उनको निकाल के उनकी सैंपलिंग की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, उनके भर्ती की व्यवस्था हम करेंगे, जिससे क्षेत्र को, भिंड की जनता को संक्रमण से मुक्ति दिला सके। सर कई जगह पर भ्रमण भी किया है, बाहर से आए हुए स्वास्थ्य अधिकारी भी थे, इनके माध्यम से विशेष और क्या दिशा निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य विभाग को? माननीय आयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा आज ज़िले में भ्रमण पर थे। कोविड-19 एवं जो हमारा आयोजन चल रहा है किल कोरोना अभियान, उसकी समीक्षा उनके द्वारा की गई। शहर के अंदर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो टीमें काम कर रही हैं, उनके काम का मूल्यांकन एवं उनको किस ढंग से अच्छा काम किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने उनको बधाई दी और उनको आगे प्रेरित किया कि आप इसी तरह से अच्छे से काम करें। वैसे सर, भिंड शहर में कोरोना संक्रमित के लोग सबसे ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, किस प्रकार से अब हम अपने आप में सहूलियत रखते हैं, लोगों को कैसे जागरूक करें कि इस कोरोना से कैसे मुक्ति मिले? इसके लिए हम मोहल्ले वाइज पूल सैंपलिंग शुरू कर दी है मैंने, और पूल सैंपलिंग के माध्यम से हम मोहल्ले में जितने भी हमारे संक्रमित केस हैं या जो आगे संदिग्ध केस निकल सकते हैं, उनको पूल सैंपलिंग के माध्यम से हम चिन्हित कर रहे हैं और ऐसे केस जो पॉजिटिव निकलेंगे उनको अस्पताल में भर्ती करेंगे, उनकी चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करेंगे, जिससे समय रहते हम इस बीमारी की जंग में जीत सकें। किल कोरोना अभियान की शुरुआत कब से हो रही है और ये प्रत्येक वार्डों में जाएगी टीम आपकी? किल कोरोना अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से हो चुकी है। कल माननीय सांसद महोदया के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसका हमने विधिवत उद्घाटन किया है। हमारी टीमें पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में काम कर रही हैं, जिसकी समीक्षा और उनको जगह पर काम करते हुए माननीय आयुक्त महोदय ने भी देखा है और उसकी सराहना की है। शहरी क्षेत्र में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी किल कोरोना के? शहरी क्षेत्र में हमारी करीब जो है 39 टीमें हैं 39 वार्डों में, जहाँ वहाँ की जो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो हमारी ANM है, जो हमारे अर्बन नोडल के जो डॉक्टर्स हैं, वो उस टीम में उनका सहयोग कर रहे हैं
और उसकी समीक्षा कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता? हमारा जनता के साथ यही मैसेज है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम जब भी कभी घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के रहें, हम अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं, अनावश्यक कहीं यात्रा न करें, और सोशल डिस्टेंसिंग बार बार हाथ धोते रहें, बार बार पानी पीते रहें, यही हमारी समझाइश है। इसका पालन करना अनिवार्य है क्योंकि COVID-19 का जो वायरस है वो उच्च संक्रामकता का वायरस है। अगर आप किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में 15 मिनट से ज़्यादा रहते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है।